नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। पल पल की सारी अपडेट भी हमारे चैनल के माध्यम से लगातार आप तक पहुंच रही होगी। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार में नई शिक्षक नियमावली का घोर विरोध चल रहा है। अब इसमें देखिए, एक नया मोड़ भी सामने आया है। आप सभी को ज्ञात है कि बागेश्वर के एक बाबा जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, और आस्था के रूप में उनका ये कहना है कि उनके द्वारा जो भी बातें बताई जाती हैं वो बिल्कुल सही होती हैं। अब देखना ये होगा कि क्या ये अंधविश्वास है या फिर लोगों का इसमें विश्वास अटल है। ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जो बागेश्वर बाबा हैं वो बिहार पहुँचे हैं, और बिहार पहुँचने के बाद अब उनका एक बड़ा प्रोग्राम है वहाँ पे। तो शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपने नियमावली के बदलाव की अर्जी लेकर वहां पहुंचने की उम्मीद अब फिर से जगी है शिक्षक अभ्यर्थियों के भीतर। और वहां पहुंचकर वो अर्जी देना चाहते हैं कि नई नियमावली में बदलाव हो और हमारे मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि आए, बागेश्वर बाबा दिलाएंगे बीपीएससी परीक्षा से छुटकारा। बड़ी खबर है, बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि नई नियमावली में कई सारी कमियां हैं, इनको शिक्षा विभाग दूर करे। और कक्षा 6 से 8 में रिक्तियों की संख्या शून्य है, इसे लेकर शिक्षक अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग नियमावली में संशोधन करे। परंतु शिक्षा विभाग बुलेट ट्रेन की रफ्तार से रोज नए नए लेटर निकालकर शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को तेज गति से आगे बढ़ा रहा है। आप देख सकते हैं, ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि बिहार में पहुंचे बागेश्वर बाबा ही उन्हें अब न्याय दिला सकते हैं, इसलिए सभी शिक्षक अभ्यर्थी उनकी शरण में जाने के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। कहना है कि बागेश्वर बाबा ही नीतीश कुमार को दुर्बुद्धि से सद्बुद्धि भरेंगे। अब देखना यह होगा कि आगे क्या कुछ होता है। शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी लगातार प्रयासरत हैं। तो ऐसे में दे सकते हैं, एक बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है कि बागेश्वर बाबा के धाम में अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो कि बिहार के सीएम है, सद्बुद्धि देने के लिए शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचेंगे और वहां नियमावली बदलाव की अर्जी लगाएंगे। अभ्यर्थियों ने पहले ही बाबा बागेश्वर उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन कर दिया है और अब त्वरित नौबतपुर जाने की तैयारी में। तो हमारे साथ तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैं, क्या कहेंगे अब बाबा बागेश्वर का समर्थन आप लोग कर रहे हैं? बिल्कुल, सरकार की शिक्षा नीति के खिलाफ पिछले 4 वर्षों से हम लोग आंदोलनरत थे, बावजूद सरकार ने हमारी कुछ नहीं सुनी। एक और एग्जाम हम लोग पर थोपा जा रहा है। अब हम लोग तरेत पाली नौबतपुर में धीरेन्द्र शास्त्री जी के दरबार में जा रहे हैं। हम लोग वहाँ अपनी अर्जी लगाएंगे, शिक्षा मंत्री जी के पास, मुख्यमंत्री जी के पास अर्जी लगा लगा करके हम लोग थक चुके हैं। क्या लग रहा है कि बाबा के दरबार में जाएंगे आप, तो वहाँ अर्जी लगाने से आप पास कर जाएंगे? निश्चित रूप से अंतिम भरोसा, अंतिम विकल्प ईश्वर है और हम सब आस्था के पुजारी हैं। क्या डिमांड करेंगे, बीपीएससी में जो एग्जाम देंगे आप लोग उसमें रिजल्ट आ जाए? नहीं, ये जो गलत नई शिक्षक नियमावली है जो हम लोग पर बाध्यकारी है, उससे हम लोग को छुटकारा मिल जाए, इसकी अर्जी लगाएंगे। बाबा से ये डिमांड करेंगे आपकी, वो रद्द हो जाए? शिक्षा मंत्री जी को सद्बुद्धि दे, मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि दे बाबा, और हम लोग के लिए, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कुछ अच्छा पहल हो, जो 4 साल से हम लोग प्रयास कर रहे थे, हम लोग को ज्वाइनिंग दी जाए। 6 to 8 में भी हमारी सीटें नहीं आई है बाबा बागेश्वर से, हम लोग ये भी प्रार्थना करेंगे कि हमारे लिए सीटें भी निकाली जाए। दीपांकर सीटें उन्हें से मांग करेंगे? बिल्कुल, देखिए हम लोग कोशिश ही कर सकते हैं किसी भी चीज के लिए। सरकार इतना, सरकार से हम लोग इतना त्रस्त हो चुके हैं कि अब इस ये बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। पहले कितनी बार पेपर में इतने वैकेंसी देंगे, इतने वैकेंसी देंगे, और एट लास्टली इन्होंने 6 to 8 की भी वैकेंसी एकदम जीरो कर दी है। तो बच्चे में जाएंगे आप लोग? हम लोग लाखों हजारों की संख्या में जाएंगे वहाँ पे। और बिल्कुल बिल्कुल, आज शाम से ही हम लोग वहाँ पे धरने पे जाके बैठेंगे। तो सरकार एक्शन भी ले सकती है, आप लोग सरकार से हिम्मत हार कर हम लोग पूरे मुस्तैदी के साथ वहाँ पे खड़े रहेंगे। सरकार जो एक्शन लेगी हम उसके साथ लड़ाई करेंगे। तो सरकार को और शिक्षा मंत्री को सद्बुद्धि देने की ये लोग मांग करेंगे, बाबा के दरबार में जाकर गुहार लगाएंगे, साथ ही 6 to 8 में जो सीटें कम है तो उसमें भी जो एक तरह से वहां जाकर गुहार लगाएंगे। हालांकि सरकार इस पर क्या एक्शन प्लान बनाती है ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। तो दोस्तों, आपने स्पष्ट रूप से सुना कि बाबा के दरबार में शिक्षक अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। क्या कुछ होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। दोस्तों, वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।